अयांश को बचाने के लिए देश की सीमा पर डटा जवान भी मदद कर रहा है। एक जवान ने मुझे फोन किया और कहा कि मित्र, मैं ऐसे मदद कर रहा हूं अपने ग्रुपों में, अपने परिवार में, अपने नाते रिश्तेदारों में और अपने सहयोगियों में ये बता रहा हूं कि अयांश को बचा लीजिए। अयांश को बचाने के लिए देश के तमाम लोग सामने आ रहे हैं। यही कड़ी में एक भारतीय सेना का जवान जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है और देश के अंदर घटित घटनाओं पर भी उसका नजर है, और उसने मुझे फोन कर कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैंने भी अयांश के लिए मदद की है और अपने लोगों से और सबको जागरूक कर रहा हूं कि अयांश की मदद आप लोग करते रहें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अयांश की मदद करें, क्योंकि देश का जवान जो सीमा की रक्षा करता है वो मदद कर रहा है और देश का किसान जो अपने खेतों की रक्षा करता है वो भी अयांश की मदद कर रहा है। मैं आज उसी सेना के जवान को फोन लगाने जा रहा हूं जिन्होंने अयांश की मदद के लिए सबसे गुहार लगाई है और कहा है कि मैं बॉर्डर पर रहकर भी लोगों की मदद कर रहा हूं। घंटी जा रही है, इन महोदय से आज बात होगी और आज शुरुआत जय हिंद से होगी। हेलो। हाँ साहब, जय हिंद। रवि भट्ट बोल रहे हैं, अयोध्या टाइम्स से, स्वतंत्र पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, अयोध्या से। रवि जी बोलिए। हाँ, आपसे बात हुई थी हमारी और आप जिस प्रकार से अयांश के लिए दान करवा रहे हैं और लोगों को सूचित कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामना और बधाई आपको। बहुत बहुत शुभकामना जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए आपका नाम और पोस्ट आज गुप्त रखा जाएगा क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आप देश की रक्षा से जुड़े हैं, इसलिए आपका नाम पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। Okay. और मैं जानना चाहता था कि कैसे आप किस प्रकार से मदद कर रहे हैं और कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस मुहिम में। देखिए रवि जी, ये जन सहयोग का काम है जी, एक के बस की बात नहीं है जी जी, इसमें सभी लोग मिलजुल करके जी, सभी लोग मिलजुल करके जब हाथ बढ़ाएंगे जी जी, तभी ये काम संभव है जी जी जी, बिल्कुल सेवा कर रहा हूँ जी, सरकार जी जी करके जी, इस पद पे जी, और आपका जो चैनल था उस पे हम लोग देखे जी, और ये भारत के गौरव की बात है जी कि और सबके कान तक आवाज जाती है जी जी, बिल्कुल। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है जी कि बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले जी, और बच्चे ये भविष्य आगे के लिए बने जी, और तो हम लोग क्या करूं, इस समय हम लोग तो ड्यूटी परेड में हैं लेकिन जो बन पट रहा है जी जी जी, हाँ वैसे हम लोग लगे हुए हैं, आपको और क्या बताएं। महोदय, इसको जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए लोगों को जागरूक करते हुए और इस कदम को आगे बढ़ाना है ताकि एक मासूम की जान बच सके और देश के लिए वो मिसाल होगा एक प्रकार से, चाहे वो किसान की बात हो या फिर जवान की बात हो। जी, बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से तत्परता के साथ सेना के जवान होकर देश के बॉर्डर पर डटे रहते हैं, उसी प्रकार अब आप इस मुहिम को भी तत्परता के साथ आगे बढ़ाएं, आप नाते रिश्तेदार परिवार और अपने सभी सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर करें ताकि अयांश की मदद हो सके। बिल्कुल, यही सोच जी जी, बिल्कुल। और आप ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको शुभकामना और धन्यवाद। आप ऐसे ही, आपने बताया था कि आप ग्रुप वगैरह और फेसबुक और नाते रिश्तेदारों को भी बोल रहे हैं इसमें सहयोग करने के लिए। चलिए हम लोग एक सेवा में जुटे हैं जी, बहुत खुल के नहीं बोल सकता हूँ जी, लेकिन जी हमारा प्रयास जी पूरा इस बच्चे के लिए जी, जो भी बच्चा उस बच्चे के लिए, देश के हित के लिए हम लोग हमेशा रातों दिन तैनात। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको और आप ऐसे ही तत्परता के साथ आगे बढ़ते रहें, शुभ कार्य करते रहें, शुभकामना आपको। जय हिंद। बहुत जय हिंद, जय हिंद।
मित्रों ये थे सेना के जवान जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और कहते हैं कि देश के अंदर किसान जूझता है और इसके बाद देश के सीमा पर जवान जूझता है, लेकिन सरकारों को मदद के लिए अब सामने आना पड़ेगा। और सेना का जवान जो अपनी ड्यूटी करते हुए इस बच्चे की मदद के लिए अपना आगे हाथ बढ़ा रहा है और परिवार, घर परिवार, नाते रिश्तेदार और सोशल मीडिया पर सभी लोगों को पूरी तरीके से जागरूक कर रहा है कि आयांश को बचाएं, तो आप भी भ्रामक खबरों से दूर रहें और इन जवानों की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ जुड़ें ताकि आयांश की जान बच सके। एक माता जो बेबस है अपने बच्चे को लेके, वो दर दर इधर उधर भटक रही है, उन सब की मदद करनी चाहिए हम लोगों को। भ्रामक खबरों को ना फैलाएं, मदद करें इस परिवार की। और बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना आप सभी को इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।